एंट्री वाला साइमा करवा दो, लकी वन करवा, जहाँ बोलेगा वहाँ का चक्का जाम करके दिखाऊंगा भाई। पब्लिक सबने यार बोला था ट्रैफिक जाम कर देना, देखो जाम हो गया ट्रैफिक, हैक कर दिया इसने पूरा पारी मॉल है, पूरा हैक हो गया है वहाँ पे, पूरा सिस्टम हैक हुआ हुआ था भाई। द पावर ऑफ डॉग्स लाइफ, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और लोगों को लग रहा है कि शायद डकैत पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं डकैत नहीं हूँ भाई, मेरा नहीं है। अरे नहीं छोड़ो छोड़ो, सांस लेने दो यार, मैं निकला था सिस्टम हैक करने के लिए, इन सब ने मिलके मुझे ही हैक कर दिया, सांस नहीं आ रही थी, मर रहा था। ये सिचुएशन पता है क्या थी, काफी सारे बाउंसर थे मेरी तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है पब्लिक ओवरलोड मुझ पे हो रही थी, वो बहुत ज्यादा कर रही थी। मेरे साथ थे प्रोटा भी था, हारिस भी था, जैन भी था, साद भी था, मोमर भी था और अहमद भाई, सब सबके सब मेरे पास थे। अब मैं लोगों को मैंने एक बात बोली, मैंने बोला एक काम करते हैं, रिस्क है करते हैं कुछ। तो मैंने इन लोगों से कहा कि जैसी गेट से बाहर निकले ना, तुम सारे लेफ्ट साइड पे जाना और मैं राइट साइड पे जाऊंगा। मैंने बोला इससे ये होगा कि आधी पब्लिक तुम्हारे पास चली जाएगी, आधी मेरे पास आ जाएगी, सही है, ये होना था। वो लोग वहां गए, उनके पास थोड़ी सी पब्लिक चली गई, सारी मुझ पे आ गई। अबे मेरे सामने मेरे गार्ड ने एक बंदे को धक्का दिया है, देखो उसके लिए सबसे पहले सॉरी, आई एम सो सॉरी, गार्ड का काम यही होता है भाई सेफ करना। गार्ड ने धक्का दिया वो फिर आ गया, मैं तो सेल्फी लेके जाऊंगा, तीन धक्के दिए फिर भी मैं तो सेल्फी लेके जाऊंगा। अरे मेरी जान, तू मुझसे घर पे आके मुझसे सेल्फी ले ले भाई, तेरे तुझे मैं गिफ्ट भी दूंगा, ये जो बंदा है जिसको धक्का पड़ा है तू मुझसे मिल, सही है, मैं तुझसे प्राइवेटली मिलूंगा। सीन मेरे साथ ये हुआ कि मैं सेल्फ पे चल रहा था, मैं अपनी टांगों पे चल ही नहीं रहा था, मुझे मेरे गार्ड यहाँ से उठा के लेके जा रहे थे, यूं मेरी टांगे हवा में थी और मैं जाया चला जा रहा था। फिर उसके बाद एक सीन होता है, मुझे मेरे हिप्स पे ना कुछ चुभता हुआ महसूस होता है, मैंने बोला ले मेरे मीटअप में मेरे साथ हैरेसमेंट तोड़ी है, जबड़ उड़ाई मेरे साथ हैरेसमेंट तोड़ी है। मैंने बोला, मैंने गार्ड की तरफ देखा, मैंने बोला यार कहीं से कुछ हो रहा है, कह रहा है गन है गन। मैंने बोला कौन सी वाली गन है, कह रहा है चलने वाली गन। मैंने बोला भाई वो भी चलती है, वो भी बहुत खतरनाक चलती है। मैंने लगा वो वाली गन नहीं है, पिस्टल वाली गन है। मैंने बोला अच्छा अच्छा, एक तो गन इतनी खतरनाक थी गार्ड्स के पास, फिर कहने लगा वो नाली चुभ रही होगी। अबे मैंने बोला चुभ नहीं रही, चुभ रहा है भाई बहुत खतरनाक तरीके से, बाहर कर इसको, कहीं ऐसा अंदर जाके चल जाए। फिर सब लोग बोलेंगे डूज लाइफ की पड़ गई। तो अब मैं दिखाने लगा हूँ तुम्हें अपने इवेंट का सबसे फनी सीन, ये देखो भाई यकीन करो सिस्टम हैक करने निकले थे और साला हमारा ही सर्वर डाउन कर दिया लोगों ने, सर पकड़ लिया मैंने, मेरा दोस्त बेचारा यूं चिंची पकड़ कर और मैं अपने कजन के घर भागा था भाई, 800 अब यार मजबूरन चिंची में आना पड़ा यार। ये भाई की मेहरबानी है, अल्लाह की कसम, ये गार्ड, ये भाई कसम से यहाँ आ गया, ये बोल उल्टा पर जाने दे, देख नहीं यार, लव यू टू यार, चिंची में आना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से। अच्छा कहा था डाले में आए थे इतनी महंगी गाड़ी में, नहीं सिगरेट तो पी लो, सिस्टम है। जाए 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 जाए
आज का दिन मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर वाले ने अर्श पे बिठाया और फर्श पे ले गया, फिर अर्श पे ले गया, फिर फर्श पे ले गया, फिर अर्श फर्श, यही चल रहा है। और सबसे पहले तो थैंक यू अर्श रेजिडेंसी वालों को, क्योंकि उनकी ही सिक्योरिटी थी, उनके ही गार्ड्स थे और उनका ही जो है डाला वगैरह भिजवाया था। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं बाइक पे आऊंगा। जब मैं आधे रास्ते में आया तो मुझे खबर मिली कि नहीं, पब्लिक बहुत ओवरलोड हुई है, तुम्हें बाइक से फेंक देगी, तुम्हें गार्ड्स के साथ आना चाहिए। मतलब ठीक है चलो, जैसे तैसे गार्ड्स के साथ आए, पहले बाइक पे, फिर बाइक से डाले में, फिर डाले से चिंची में, फिर चिंची से करोला में, फिर करोला से यामाहा R6 में। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हुआ ये मेरे साथ। लेकिन लव यू गाइस, ये भी एक हिस्ट्री है, ये भी एक बहुत खतरनाक सीन है। हर किसी के पास ये पब्लिक नहीं होती, लोगों की ये पब्लिक जब वो मिलियन मारते हैं तब इतनी पब्लिक होती है। मैं तो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पे इतनी खतरनाक पब्लिक, भाई मैं इस वजह से बच्चों वाला कंटेंट नहीं बनाता और फैमिली वाला कंटेंट नहीं बनाता, क्योंकि मुझे चाहिए ही यही जंगली लोग, मुझे चाहिए ही यही पब्लिक भाई जो सिस्टम हैक कर दे। लव यू। तो भाई ये वो सारे लोग हैं, इन लोगों की वजह से मुझे चिंची में आना पड़ रहा है। लोग अपने जिसके फैन होते हैं, जिसके जो सेलिब्रिटी बनता है, वो कोई ऑडी में आ रहा है, कोई स्पॉटेज में आ रहा है, हम चिंची में आ रहे हैं। बस सही है, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू, बहुत शुक्रिया। चलो घर मिलते हैं, घरों पे जाओ हम अपने अपने। चलो यार बस हो गया, घर वापसी। तो भाई फाइनली जैसे तैसे करके हम लोग अर्श पर आ चुके हैं। ये वही अर्श है जिसने हमें स्पॉन्सर किया है भाई। बेड़ा घर फाड़ दिया, फाड़ दिया, फाड़ दिया यार, कसम खुदा की। क्या हाल है, कैसे हो? आया कैसे हो? ठीक है भाई, मजा आया। कैसा लगा? अब ये दो गार्ड्स दिख रहे होंगे, इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं और ये परेशान है, और इनका जो मेन लीडर था उसने मेरे पैर पकड़ लिए थे। वो कह रहा था भाई रिसेंट अभी आतिफ असलम का कॉन्सर्ट संभाल कर आ रहे हैं हम लोग, और वो सिंह गवर्नर कौन है, वो जो अपने बेटे को सपोर्ट करता है, तिशोरी, हाँ उसको संभाल कर आ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तू कौन है, एलियन है, कौन है, ये कौन से लोग है भाई, तुझे खाने के लिए आ रहे थे कौन, मतलब कैसे यार। अभी दिखाता हूँ, जो ऑडियंस थी, मेरी जो ऑडियंस थी वो मेरे साथ बाहर आ गई, और फिर जो अंदर थी उसने लाइट्स तोड़ी हैं, सोफे फाड़े हैं, बहुत मिसमैनेजमेंट करने की कोशिश की है। सीसीटीवी सबकी है, कोई मसला नहीं। हाँ सीसीटीवी है, निकाल लेंगे, और फिर बाद में घर का सीन है ना, घर आएंगे, टेंशन नहीं है। और बाकी ये मेरे भाई लोग, कसम खुदा की मेरे चक्कर में इतना पिटे हैं ये लोग, मतलब कहने का मकसद नहीं, नहीं कहने का मकसद ये ले, मारा नहीं है वो, जैसे मुझे नहीं मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि मतलब अबे मैं मुझे तो बोले लो, जैसे मतलब मुझे पकड़ के खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो इतना गैप रखा हुआ था, लोगों को दूर किया हुआ था कि इन लोगों ने मुझे दूर किया। और बोरे भाई जो मुझे चिंची में लेकर आए थे, बहुत मजा आया। इस भाई ने बड़ा मारा है, मैंने देखा है लेकिन यार नो डाउट 80% अच्छा गया है, बस एंड में जो हरामी पंच हुआ ना ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आगे और भी इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसी यार कम्युनिटी आगे निकलेगी, ये सब नहीं करना चाहिए यार। और बस मजा बहुत आया, सिस्टम हैंग नहीं, हैक किया, और बहुत अच्छा हुआ। 3,500 का क्राउड हो गया, क्योंकि बाहर भी पब्लिक खड़ी हुई थी, और जो मिसमैनेजमेंट हुई वो हमारे जाने के बाद हुई है। जब तक मैं था मेरे गार्ड्स, मेरे बाउंसर्स, दोस्त, मैनेजमेंट मौजूद थे, इन लोगों ने होने नहीं दिया कुछ भी। आप जिंदगी के किसी भी मकाम पे चले जाओ, लोग ताने ही मारेंगे। जो आपसे खुश होंगे वो आपके बुरे वक्त में भी आपसे पॉजिटिव रहेंगे, आपके अच्छे वक्त में भी आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आपका फर्ज है आप उनको अपने साथ रखो। और इस इवेंट के लिए सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को थैंक यू करना चाहूंगा, और यकीन करो मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे और नस्ली दोस्त हैं। तो भाई दोस्त बनाओ, अगर इस तरह का मकाम चाहते हो तो अच्छे दोस्त बनाओ भाई। लोग अजीब तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मॉस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अबे मैं यहाँ को किसी का रिकॉर्ड तोड़ने थोड़ी आया हूँ भाई, मेरा यहाँ किसी से कोई कंपटीशन थोड़ी है, मैं बस एक अपनी जगह बनाने आया हूँ, लोगों को हंसाने आया हूँ। मैं सच्ची नंबर 1 या नंबर 2 पे नहीं रहना चाहता, बस मैं जहाँ हूँ वहीं रहने दो, बस मुझे हंसते हुए तुम लोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मॉस की एक अपनी अलग जगह, उसकी एक अलग अपनी ह्यूज ऑडियंस है, मेरी एक अलग ऑडियंस है, लेकिन देखो आप ये देखो, लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इतने कम फॉलोवर्स में इतनी हेवी अचीवमेंट, लोगों का आना
वो सब मेरे अल्लाह की मेहरबानी है भाई, मेरे दोस्तों की मेहरबानी है, मेरे माँ बाप की दुआएं, तभी जाके ये सब हुआ है। और इंडिया में इस तरीके के मीटअप देखे जाते हैं। अबे पहली दफा अगर मैंने ये सब किया है, अब तुम देखना लोगों के, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स के मीटअप होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कर दी है शुरुआत। अब सब यकीन करो कि मेरे पास, मुझे इतने लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश की कि नहीं करो, नहीं हो सकेगा, इतने लोग नहीं आएंगे, शर्मिंदगी होगी, ये कमेंट भी आया था। इस तरीके के और भी कमेंट्स आए थे फेसबुक पे, अलग लोगों ने बहुत कीड़े निकाले थे, हर चीज़ में कीड़े निकाले। मैंने पोस्टर बनवाया उसमें कीड़े निकाले, मैंने मीटअप जगह कहने लगे किसी फुद्दू जगह पर किया है, और बहुत लोगों ने कीड़े निकालने की कोशिश की, लेकिन आज वो ताली मार रहे हैं भाई, लव यू सो मच। मुझे अभी भी वो वक्त याद है जब मेरा पेज गया था, यही वो जगह थी, यही वो हालत थी, यकीन करो। लव यू सो मच यार, लव यू